बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई अगले दिन फ्रेशली उठे और रातों बारिश हो रही है और क्या ही सीन है, सीरियसली हवा की हवा आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और मैं अभी जस्ट उठा ही था, मैं फ़ोन लेके सीधा बाहर आ गया। एंड सीरियसली गंगा का व्यू है यहाँ भाई, मतलब सीरियसली बताता हूँ, जो इधर से आवाज़ आ रही है ना बाहर निकलते गंगा की बहुत सूदिंग आवाज़, ठीक है। तो ये और बस चार शहर हो रहे हैं, ठीक है, चार शहर हो रहे हैं, अभी जा रहे हैं गुरुद्वारे दर्शन करने। हाँ, अभी खाना खाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे। और राफ्टिंग का सफर, राफ्टिंग हो गई है कैंसिल बिकॉज बारिश हो गई, रात को बारिश हो गई और एंड लास्ट दिन नहीं चल रहे हैं राफ्टिंग के। मतलब अगर इस मंथ में आओगे तो राफ्टिंग आपको लास्ट में मिल रही है, 2 किलोमीटर ही रह जाती है और वो भी अब बंद होने वाली है, बंद ही हो गई है एक तरह से। आज लास्ट डे है राफ्टिंग का, कल लास्ट होगा, इसलिए हम कर नहीं रहे बिकॉज लेवल बहुत ज़्यादा है और सेफ नहीं अभी, ठीक है। तो अगली बार पक्का ट्राई करेंगे, अगर मैं दोस्तों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, जिसके साथ जाएंगे अगली बार पक्का। पर अभी भाई हवा से पता चल रहा है क्या मौसम है क्या नहीं, ठीक है। अभी मेरी आवाज़ आ नहीं रही है क्लियर, मैं माइक लगा के बात करता हूँ। एंड 1 2 3 सहनी हमें। सो भाई हम ना खाना खाने जा रहे हैं और फोटोस वोटो बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, ज़रूर देखना जाके, ज़रूर देखना जाके, ठीक है। मतलब फोटोज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे मेरा लिंक आ रहा होगा, जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सबसे पहले उसी पे जाता है मेरा सारा और सारा जो भी प्लेट होती है, ठीक है। अब रोटी खाने जा रहे हैं, रोटी खाने के बाद जाएंगे चिल्ला साहब को, चिल्ला साहब सॉरी यार सिरसा के लोग चिल्ला साहब, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम हेमकुंड साहब, ठीक है, अभी का यही प्लान है, पहले रोटी खाते हैं, चलो लेट्स गो। सो भाई हाँ, तो खाना खुना खा लिया एंड स्कूटी रेंट पे ले लिया, ठीक है। अभी रूम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आओ तो स्कूटी रेंट ले लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी गाड़ी लेके जाओगे तो पेड़ पार्किंग है, गाड़ी जाएगी भी नहीं, आपको इजी हो जाएगा स्कूटी में घूमने के लिए, ठीक है। एंड शुरू 500 से 800 की रेंज मिल जाएगी स्कूटी की, और बाइक्स जो है वो 1500 इतना कुछ है, बाकी आप जितना बार्गेन कर सकते हो उतना करना, हमने भी बार्गेन करके उसको 600 करा दिया 800 से, ठीक है। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल, क्योंकि उधर मेरा DL और वो पड़ा आधार कार्ड, तो उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। उसके बाद तो अभी हेमकुंड साहब ही जाना है, हेमकुंड साहब के बाद जा करके देखेंगे और शिवपुरी जाएंगे। शिवपुरी में है थोड़ा एडवेंचरस पार्क, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हसन जिप लाइन करनी है, हसन जिप लाइन करना है, देखूंगी अगर ज़्यादा ऊँची ना हुई तो ही करूँगी, क्योंकि राफ्टिंग तो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि राफ्टिंग चली नहीं, शुरू करेगा ना बर्फ बनती, देखते हैं जो भी बनेगा हिसाब, बाकी अभी DL लेके चलते हैं। ओके भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, हेमकुंड साहब आए हैं, तो यात्रा शुरू है, यहाँ पे बहुत सारे यात्रे हैं, ठीक है। हेमकुंड साहब जो ऊपर वाला है, ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करानी है और रजिस्ट्रेशन करा के ऊपर आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हो, टैक्सी भी लेके जा सकते हो। पापा और मेरा भी मन किया था बट अभी फैमिली के साथ आए, कोई नहीं, पापा और मैं अलग से आएंगे, कभी अक्टूबर तक खुली है फॉर द इन्फॉर्मेशन, और कभी भी आओ जा सकते हो। और ये ऋषिकेश हेमकुंड है, यहाँ से शुरू होती है यात्रा और ऊपर जाओगे तो गवर्नमेंट निकालता है, हमने सारा पूछ लिया है,
पर हम अगले महीने या कभी भी जब भी होएगा तब प्लान बनाएंगे। बाकी अब हम दर्शन करके आते हैं और अंदर अलाउड नहीं कैमरा, तो मैं पालन लाते हूँ। तो भाई हो गया है, दर्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बाकी ऊपर जाने का जब मौका मिलेगा पक्का जाएंगे, जब बुला ले, ठीक है। यहाँ शांति, यहाँ पे पीस बहुत है, जरूर आना, मस्ट विजिट प्लेस है ऋषिकेश में। तीनों टाइम लंगर चलेगा, सबसे बढ़िया, ठीक है। आरती देखो, हेमकुंड साहब देखो, मतलब इधर रिलीजियस जो है ना सारा कुछ अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम, ठीक है, स्कूटीज हैं, जाएंगे सीधा और जानकी ब्रिज से जाके बीटल्स आश्रम, और उसके बाद देखते हैं। बाकी जो हेमकुंड साहब है, बीच में हमारा पापा और मेरा सबका बन रहा था मूड, पर बाकी अभी यार वो बुलाया भी नहीं है ना हमारा, थोड़ा पापा और मैं अलग से आएंगे, एक ट्रिप बनाएंगे उसका। हेमकुंड साहब और फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर है पास में ही, वहाँ पे बाद में फिर ये अच्छे से विजिट कर लेगा, फिर मैं भी घुमा के लाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और सीधा मैं आपको मिलता हूँ स्कूटी में। स्कूटी जी, सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। भाई यहाँ पे टिकट हो जाएगी बीटल्स आश्रम में, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी जरूर लेके आना, बिकॉज स्टूडेंट साइड स्टूडेंट की जो है स्टूडेंट की जो है वो कम है, 75 है और इसकी 40, अबव 18 75, बिलो 18 40 स्टूडेंट्स के लिए, एंड सिंपल 150 है। एंड नाउ वी आर गोइंग, बहुत सारा ऊंचा है इधर, मतलब मैप है, बहुत चढ़ाई है जो मेरे को ये करवाएगा, ठीक है। 84 उसके बाद कहां जाना, स्पेशली इधर फोटो खींचना है मेरे लिए, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर, और चलो इनको इनको थोड़ी ट्रैकिंग कराते हैं, इनको ट्रैकिंग कराते हैं थोड़ी, हम इधर ही बैठ जाते हैं। ये बड़ा गंदा है, ओ भाई, इसका पता हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे बीटल्स एक बैंड है, वो बाहर से आया था, यहाँ से हॉलीवुड में यहाँ से आया था, यहाँ पे उन्होंने आके तपस्या की थी इंडियन कल्चर को जानने के लिए, बैंड था बल्कि उनका, चार जने थे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। मेन इधर के अट्रैक्टिव थिंग जो कि टॉप पे है, ठीक है, यहाँ पे सेक्सी सेक्सी फोटोज आ सकती हैं, सेक्सी व्यू है, ठीक है, व्यू दिखा देता हूँ आपको, और मतलब कपड़े चेंज कर लिए बिकॉज मेरे को इस कमरों में चाहिए थी फोटो, एंड व्यू इज दिस, अब पूरे यहाँ से ऋषिकेश दिखता है लगभग, और यहाँ का थोड़ा टाइगर रिजर्व वाला व्यू है, ठीक है, यहाँ से पूरा टोटली राजा जी नेशनल पार्क, एंड बस इतना ही है। अभी हम जाएंगे आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, गोवा बीच पे, पूरा ऑफ रोड है, ट्रैक है, होपफुली मैं आपको दिखाऊँ, बाकी देखते हैं, बाकी थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट देखो, ठीक है, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। एज अ नेचर, नेचर जो नेचर को पसंद करता है, जो थोड़ा मेडिटेशन टाइप का वो कर सकता है। बाकी ना मैं ये व्लॉग, आई नो ये बड़ा हो जाएगा, पर ये व्लॉग इंटरेस्टिंग रहेगा जो कि आर्टिस्ट जिनको आर्ट पसंद है, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाके मिलूँगा सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे बड़े से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड बाय। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, 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 हम ना आए।